हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे आपसे कर्क राशि के जातकों के लिए कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा और उनको किस क्षेत्र से लाभ मिलेगा, राजनीति से लाभ मिलेगा या सरकारी नौकरी मिलेगी या ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपकी सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी, आपको व्यापार करना है या नौकरी करना है या राजनीति करना है या मेडिकल के फील्ड में जाएंगे या टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और आज आपको क्या उपाय करना है, क्या सावधानी बरतनी है, ये सब भी बताने वाले हैं। और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सब भी बताएंगे। और आपको क्या उपाय करना, कैसे सावधानी बरतनी है, क्या साझेदारी में कार्य करना है या नहीं करना है, और आपके अपने जो अधीनस्थ उच्चस्थ लोगों से कैसे संबंध रहेंगे, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। और साझेदारी में कार्य करें या ना करें इस पर भी बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो कर्क राशि के जातक हैं आपका दिन बहुत ही बेहतरीन है, आपको चारों तरफ से सफलता मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा। और जिस भी फील्ड में बहुत दिन से जो प्लानिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय आ गया। आप उसको कैसे मूर्त रूप देंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे और अपनी इमेजिनेशन को कैसे रियलिटी में बदलेंगे, वह समय आ गया है। तो अपने सुंदर अवसर का सदुपयोग करने की जरूरत है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जो आपका मिशन है, जो योजनाएं हैं, उस समय आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आयात निर्यात से भी धन मिलने की संभावना बन रही है। तो देखा जाए तो चौतरफा लाभ होते हुए दिख रहा है। जो आपके रोग और शत्रु हैं परास्त होंगे, खड्यंत्रकारी विफल होंगे। यदि कोई भी कार्य सरकार से या किसी प्रकार के लिटिगेशन वगैरह चल रहा होगा तो उसमें आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। माली हालात आपकी अच्छी होगी। यदि आपने विजन बना रखा है कि मुझे कुछ बड़ा कार्य करना है, प्लानिंग करना है, कहानी लिखना है, किताबें लिखना है, फिल्म बनाना है, साहित्यिक अभिरुचि के हैं या आर्ट बनाना चाहते हैं, जो भी रचनात्मक मौलिक कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन समय चल रहा है। उसमें अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक दायित्व में थोड़ा सा आपका मन तनाव हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। माता पिता का सुख मिलेगा, माता से सुख मिलेगा। भूमि भवन हेतु अगर आपने प्रयास किया है तो उसमें भी आज आपको सफलता मिल सकती है। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। साझेदारी में कोई कार्य ना करें, अज्ञात व्यक्ति से कोई डील ना करें तो नुकसान हो सकता है। गाड़ी इत्यादि अगर आपने खरीदने की प्लान कर रखा है तो योजनाएं आपकी सफलीभूत होते हुए दिख रही है। संतान लाभ होगा। आपने मन की बात को सुने, अंतरात्मा की आवाज को सुन करके कार्य करें और रोग और शत्रु को हल्के में न लें। पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी के सहयोग से आप काफी आगे बढ़ेंगे, पत्नी की काफी अच्छा रहेगा, नौकरी भी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि सेंटिमेंट में आगे कोई निर्णय न ले। कोई भी निर्णय लेते हैं सोच समझ के लिए, उसमें सेकेंड थर्ड एडवाइस लेके तब किसी निर्णय पर पहुंचे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना है, ओम शशि शेखराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रोम सह श्री चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आप जप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सफेद वस्तु का दान करें आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।